మత్స్యరాజ్ మనం దుల్పేట్కి మినీ స్టేడియంకి దేవి సింగ్ ఇంటర్వ్యూ తీసుకోవడానికి వచ్చాం. ఏంటంటే ఈరోజు స్పెషల్ వీడియో ఇది, ఆల్మోస్ట్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ రెజ్లర్. మనకి తెలియని విషయాలు మన తెలియనతో మనం చాలా విషయాలు తెలుసుకునేది ఉంది. ఈరోజు తెలుసుకొని నేను చూపిస్తాను ఈయన ఎన్నేళ్ళు పల్వానీ చేశారు, ఎక్కడెక్కడ వెళ్ళి పల్వానీ చేశారు, ఓవర్ ఇంటర్నేషనల్ ఎక్కడెక్కడ వెళ్ళి కొట్లాడు అవన్నీ చూపిస్తాను. పాస్ట్ నేను ఆల్మోస్ట్ 34 వీడియోస్ కంప్లీట్ చేసుకున్నాను, 7700 అండ్ ప్లస్ సబ్స్క్రైబర్స్ గెయిన్ చేశాను. నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే పల్వాని ఇచ్చేయడానికి వీళ్ళు చాలా కష్టపడి పల్వాని చేస్తున్నారు. చాలా ఈజీగా మీరు ఫేస్బుక్లో పూట ఇన్స్టాగ్రామ్లో పూట పల్వాన్ అని పేరు పెట్టుకొని ఫేమస్ అవుతున్నారు. ఇవన్నీ తగ్గించుకోండి. నెక్స్ట్ థింగ్ ఏంటంటే వేరే వేరే ఆటలు అన్నిటికీ సపోర్ట్ చేస్తున్నారు, ఈ ఫిజికల్ ఆటలకి సపోర్ట్ చేయడం తగ్గించేసారు. ఇలా ఈ రెజ్లింగ్ అనేది మన ముందు నుంచి ఉంది, మళ్ళీ చెప్తున్నాను, రెజ్లింగ్ అనేది మన దగ్గర ముందు నుంచి ఉంది, దీనికి సపోర్ట్ చేయండి. మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే మన దగ్గర జిమ్లు ఎక్కువైపోతున్నాయి, జిమ్లోకి వెళ్ళిపోతున్నారు పబ్లిక్, వెళ్ళిపోయి జిమ్లో అది చేసుకుంటున్నారు కానీ ఇలాంటి కష్టపడి దానికి చేయట్లేదు. ఇంకా నాకు చాలామంది ఏం చెప్తున్నారంటే భాయ్ ఆప్ వీడియో కూతుడా కమ్ కర్దోనా చోటా కర్దోనా కే కుత్తా బడా కర్ రే స్వీట్ అండ్ సాఫ్ తీన్ గంటే తుమ్ ఫాల్తూ వీడియో దేఖనే జబ్ టైమ్ నికాల్ రే భాయ్ ఏక్ బందేకి లైఫ్ కేకునే సున్ సక్ రే ఆప్ ఆధా ఘంటాకి తో టైమ్ లే రోనా భాయ్ దేఖే తో దేఖో నా తో నక్కో దేఖో కోయి బాత్ నీ ప్రాబ్లమ్ ఈ కుచ్ భీ నీ ఏ పర్ యే మేరకు సజెస్ట్ నక్కో దియో ఆర్ మెయిన్ థింగ్ క్యా సబ్స్క్రైబ్ కర్కే అన్సబ్స్క్రైబ్ కర్ లే రే ఆప్ యే చీజ్ ఆప్ చోటే బచ్చీ సే లేకే బడోన్ తక్ బైఠ కే దేఖ సక్తే యే వీడియో మే యే సే కుచ్ భీ గలత్ వలబ్ నే దిఖా రూ మే आप इसको शेयर करो, जितना शेयर करेंगे उतना मेरे को रेस्पॉन्स मिलेगा, उतना अच्छा सपोर्ट मिलेगा. और एक बात ना इंकोटे एंटे नीन फ्रस्ट्रेट माटड़े ना फ्रस्ट्रेशन एंकंटे पैलवान पैलवान चुपको लेकिन पेकने पेल वाल पाटल रायपच् वाल साई पैलवा इप्डा एवरू अला पेन पेन पाटल रायपच्चे भैया. राम राम भाई. भाई आपका नाम? मेरा नाम देवी सिंह है. भाई आपके पिताजी का नाम? तेजा सिंह. भाई आप कौन से अखाड़े से तालुका थे भैया? मैं इधर हैदराबाद में तो लाला तालीम और दिल्ली में, दिल्ली में करा 10 साल उधर छत्रसाल स्टेडियम सतपाल पलान के पास. भैया आप आपके गुरुजी का नाम? भैया सतपाल पलान और रामपाल कोच साहब और यशवीर कोच साहब एक्सपायर हो गए और वीरेंद्र कोच जा रहे. आपकी पहलवानी की लाइफ कैसा चालू होती भैया? भाई इधर ये मिनी स्टेडियम दुलपेड़ में एक वीर हनुमान केसरी हुआ था, ऑर्गेनाइज हुआ था, तो फाइनल कुश्तियाँ थी उस टाइम पे. तो बचपन से आते थे कुश्ती देखने इधर ग्राउंड में, घर इधर पास में ही चलो. तो उधर जब दिनेश पहलवान जयागुड़े के पहलवान उन्होंने बाल केसरी लिए थे तो उसको देख के ये जब भाई इतना छोड़ो, जब उन्होंने छोटे ही थे 35 kg में लिए थे तो मैं इतना छोटा बच्चा जीत सकता तो हम क्यों नहीं जीत सकते, अरे अपन भी करेंगे पहलवानी करेंगे बोल के हल्का हल्का करके स्टार्ट इधर ही स्टेडियम में आना शुरू करे. इस लड़ते तो तालीम थे, तालीम से थे, स्टेडियम में भी करते थे, तालीम में लाला तालीम में भी करते थे. एक मिनट लाल रुकते. भाई आपकी पहलवानी की कौन सी एज से आप पहलवानी चालू करें भैया? आप मैं एक 11 ईयर्स का था जब स्टार्ट करा पहलवानी, ये इधर ही स्टेडियम में 2001 में स्टार्ट करा, ये वीर हनुमान केसरी देखे बाद से पहलवानी स्टार्ट करा. फिर अब हमारे इधर बहुत पुराना दंगल है नागर पंचमी में होता हाथ मिला के लड़ने का, मेरा पहला दंगल वो था नागर पंचमी में हाथ मिलाने का, कि वही बूंदी बूंदी देते थे जब हाथ मिला के लड़े जीते करे तो पहला दंगल वो था. पहले दंगल में मैं हार गया था हाथ मिला के, पहली कुश्ती समझो मेरी लाइफ की पहली कुश्ती हार गया था मैं. फिर उसके बाद 10-15 दिन के बाद रक्षाबंधन का दंगल बहुत पुराना हमारा लाला केसरी दंगल था. फिर वो दंगल में 25 किलो में मैं एक दो तीन कुश्ती जीत के कुछ फाइनल में पहुंचा था. मैं 3 कुश्ती 4 कुश्ती कुछ जीत के फाइनल में पहुंचा था. फाइनल में हार के मैं सेकंड आया था. फिर वहाँ से ज़रा घर वालों को भी ज़रा हो गया कि अरे इन्हें पला नहीं कर सकता, लड़ सकता है बोलते, तो घर वाले भी सपोर्ट करते गए. फिर उसके बाद कंटिन्यू जैसे गणेश केसरी थी, गणेश केसरी में फिर जिससे मैं नागर पंचमी में हार गया था हाथ मिला के दंगल में पहली कुश्ती, फिर उसको हरा के गणेश केसरी में मेरा गोल्ड मेडलिस्ट आया. फिर जैसे इंटर स्कूल था हैदराबाद का सिलेक्शन था, हैदराबाद में फर्स्ट आया. फिर अपने आंध्र, पहले आंध्रा था तो अब तेलंगाना होगा, उसमें उधर फर्स्ट आया. फिर वीर अभिमन्यु केसरी हुई तो उधर फर्स्ट आके फिर मैं दिल्ली नेशनल के वास्ते सेलेक्ट हुआ था, स्कूल नेशनल के वास्ते अंडर 14 में 25 किलो में सेलेक्ट हुआ था. तो वहाँ से दिल्ली गए, दिल्ली गए तो छत्रसाल स्टेडियम में सतपाल पलान के पास ही वो था टूर्नामेंट स्कूल नेशनल गेम्स. तो वो टूर्नामेंट में गए तो मालूम हुआ कि अरे ऐसा रहने की फैसिलिटी है, मेस खाने का मेस है, सब है, पहलवानों को रख के कि
इधर रख के पहलवानी कराते और फैसिलिटी देते, समझो पूरा अच्छे अच्छे बड़े बड़े इंडिया के बहुत बड़े पहलाना की यहाँ पर पहलानी करते बोल के। तो जब ऐसा आया कि अरे भाई अपन भी रह के करेंगे इधर दिल्ली में पहलानी बोल के सोच के हल्का हल्का फिर उधर से आ गए, फिर इधर आ गए, इधर आ के फिर वही कंटिन्यू पहलानी में कंटिन्यू करते रहे। फिर वही अपने पास तो टूर्नामेंट पहले 4-5 ही होते थे, आप ज़्यादा टूर्नामेंट हो गए, फिर वही लाला केसरी, गणेश केसरी जीते बाद फिर स्कूल के वास्ते सेलेक्ट होके फिर मैं पंजाब गया था। जैसे हमारे तालीम के 4-5 जने गए सेलेक्ट हुए थे हम लोग, 4-5 जने सेलेक्ट के, तो उधर मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया था। मेरा क्या उधर सबका 3 ही स्टेट थी, तो हारे बाद भी ब्रॉन्ज था, जीते बाद भी ब्रॉन्ज था, तो जीत गए। जीत के उधर आए बाद थर्ड आए बाद एक अपने आंध्रा का एक निजामबाद का लड़का था, उसका गोल्ड आया था। तो जब वो था, अरे स्कूल लाइफ में भी मेडल आता ये आता बोल के क्रेज अलग था। जब फिर उसके बाद उधर से आए, उधर से आते फिर थोड़े दिन करे, जैसे एक हमारे तालीम में भारत बोल के थे उन्होंने, तो उन्होंने बोले अरे अच्छा लड़ रहे तुम लोग, तुम दिल्ली में छोड़ देता हूँ। उन्होंने दिल्ली में थे, उन्होंने 2-3 महीने से दिल्ली में थे, तो उन्होंने बोले अरे दिल्ली में छोड़ देता हूँ, सतपाल पालन के पास रहते आते कर रहे। तो मैं ठीक है, अब मैं उन्होंने बात कर लिए, सब कर लिए, उन्होंने कुछ सबसे जाके उधर, अब इधर से जाना था मैं, मेरा भाई, हमारा छोटा भाई पालन किशन सिंह, उन्होंने मैं, हमारे पिताजी गए इधर से गए, तो उन्होंने मास्टर चंगीराम के अखाड़े में रहते थे, तो उधर गए, उन्होंने उनके साथ रुके, हम करे खाना वाना खा के जैसे पहुँचे, तो उधर जाके कुछ सब से बात करे, कुछ सब देखे, ट्रायल लिए। तो अमित दहिया लड़का जो ओलंपिक खेला 2012 में अभी भी, तो उसके साथ ट्रायल लिए, 2-4 बच्चों के साथ लिए। तो हम छोटे छोटे थे, तो उन्होंने बोले, मैं था 25 किलो का, मेरा भाई था 20 किलो का, हम बहुत छोटे छोटे थे, तो उन्होंने बोले ठीक है रह जाओ, छोटे छोटे बच्चे ना रह जाएंगे बोल के ठीक है। इनका सामान उमान जैसे बक्सा, थाली, कटोरा, वो ग्लास, पूरी चीज़ें दिला के भेज दो इनको बोल के। अगले दिन जैसे 20 जून को मैं अखाड़े में रहने गया था, सतपाल पलन के पास छत्तीसगढ़ स्टेडियम में। अब क्या है, वो तो अखाड़े में जाते ही दिल्ली का रूल्स, जैसे अपने इधर की भाषा अलग, उधर की भाषा अलग, तो उधर के बच्चे मजे लेते थे, बात करते जैसे अपनी उनकी भाषा अपनों को समझ में नहीं आती, अपनी उनको समझ में आ जाए बराबर, तो नो मजे लेते थे। तो हमारे का हमारे रूम में था, हमारा रूम नंबर था 6, सुशील पलन का था 7, योगेश्वर दास 7, भारत के पलन 6 नंबर, छोटों का था, बड़ा नो 7 नंबर था। तो कुछ भी ज़्यादा सताए तो उधर बोलते थे। हमारे रूम में था एक बड़ा लड़का था, MP का लड़का था, दुर्गेश बोल के, तो जैसे मनो अम्मा को अच्छा दिखता था, ये कोई भी सताए तो उन्हें डराता था समझो, अरे ये नहीं इतनी दूर के लड़के, छोटे छोटे लड़के सताना नहीं बोलते। और यजबीर कोच साहब थे, यजबीर कोच साहब की वजह से समझो पहलानी मेरी ज़्यादातर बहुत, उनकी वजह से मैं पहलानी इतना आगे बढ़ा समझो। उन्होंने भी समझाते रहे, गाइडनेस देते रहते थे, पर अभी भी छोटे छोटी छोटी बात पे भी लड़त में, जैसे मैं जोरों में मेरे को कोई ज़्यादा पकड़ लिया तो नहीं तू ऐसा कर, उन्होंने खुश होते थे, अरे इतनी दूर से बच्चे, जैसे अपने हैदराबाद के जाते थे 2-3 महीने मैं भाग के रिटर्न आ जाते थे, अपन लोग हैदराबाद वाले फेमस थे कि हैदराबाद वाले भाग जाते, तो हम टिक गए थे उधर। तो मेरा टारगेट क्या था पहले शुरू में गए तो, भाई मैं जून में गया था, अगस्त में राखी पूनम थी, ये रक्षाबंधन का दंगल था, 2 महीने रह के आके इधर लड़ना है, बस 2 महीने का टारगेट था कि दिल्ली में जाके 2 महीने पलानी करके आ जाना है। फिर वो घर वाले बोले नहीं ये राखी पूनम को नहीं आना, बाद में आना बोलते, बोले तुम ठीक है चलो। अब बात का जाके फिर वो करते अब दिल लग गया उधर, फिर आ गई फिर रक्षाबंधन आ गई। रक्षाबंधन से पहले 1-1.5 महीना पहले वो था उधर, अमर कोच साहब बोले गर्मियाँ ज़्यादा थी, रामपाल कोच साहब बोले जो दूर दूर के है अपने घर वालों को बुला लो कि तुम लोग घर को चले जाओ, गर्मियाँ ज़्यादा है, पूरे बड़े बड़े बच्चों को लेकर हरिद्वार जा रहे। अब मेरे को हो गए थे 14 महीने हो गए थे, 14 महीने से घर को नहीं घूमता मैं, छोटे हम लोग थे जब छोटे छोटे, मैं 25 किलो से 35 किलो का हो गया था। तो अब खुशी, अब घर अंदर घर को जाने की खुशी थी, तो अब हमारे बुला लिया हम घर, भारत बोल के थे उन्होंने जब हैदराबाद को चले गए थे तो उनको बुला लिया। अब उनको बुलाए बाद हमारे कोच साहब क्या बोलते हैं कि अरे भाई अब जाने की ज़रूरत नहीं, प्रोग्राम कैंसिल हो गया। अब 14 महीने के बाद मैं एक दिन भी नहीं रोया, मगर जब मेरे को रोना आ गया आँखों में साथ, घर को जाना है तो जाना है। अब उन्होंने बोले समझाए फिर भारत भाई, अरे तू इतना करा अपने, तो फिर उधर बच्चे अच्छे हो गए हैदराबाद में भी, फिर हराना है उनको कर, अभी 1 महीने की बात है, 1.5 महीने की बात है, फिर कर आना है कैसा भी घर को ये वो। अब मैं, हमारा छोटा भाई तो रोया भी नहीं,
उनको तो मजे थे उधर। अब उन्हें देखे तो मेरे को रोना बोले तो रोना रहा, उन्होंने समझाया कि फिर चले गए, चले गए तो मैं ठीक है बोल के फिर एक महीना रुक के फिर लाला केसरी आई थी। फिर लाला केसरी में इधर 38 में लड़ा था, गदगा जीता था 38 में, हमारी तालीम के उम्मीदवार बोल के उन्होंने रखे थे मेरे लिए कि मैं लड़के जीत गया समझो था गदगा। फिर उससे फिर वहाँ से फिर शुरू होगा, फिर एक महीना डेढ़ महीना गया कि फिर घर वाले बोले जाते गए बोले था फिर चले गए समझो। फिर उधर से वहाँ से एडमिशन लिए स्कूल में, दिल्ली के स्कूल में एडमिशन लेके वहाँ से दिल्ली स्टेट होती, दिल्ली स्टेट में लड़ा मैं, दिल्ली स्टेट में लड़ा तो थर्ड आया मैं, 38 में थर्ड आया। थर्ड आया तो अब कॉम्पिटिशन में उधर स्टेट में सेलेक्ट हो गए तो नहीं, उधर 10 बार ट्रायल होती आपको स्कूल नेशनल खेलना है वो, तो जितने बार आप रोज़ नया लड़का था ट्रायल देने की, नया लड़के को रोज़ ट्रायल देना है। तो अब हम हैदराबाद के थे, अब रामपाल कोस्तब थे उन्होंने क्या ज़्यादा वो नहीं करते थे, उन्होंने बोले क्या करता तू रहने दे बोल के, तो एक हरपुल बोल के लड़का जो अब लड़ रहा सीनियर में 61 kgs में, तो मैं उसको हराया था जब, तो उसको हराया तो कोस्तब बोले तू रहने दे नेशनल ये खेलेगा बोल के बोले। तो अब मैं उधर कोस्तब को तो कुछ नहीं बोल सकता हूँ, मैं बहुत रोया समझो, रोए बाद इन हमारे यशवीर कोस्तब थे, यशवीर कोस्तब बोले जान दे बेटा तो अभी रूरल नेशनल आ रहा, वो एक नेशनल अलग रहता तो खाली फिर प्रैक्टिस करते रहे, मैं तेरे को उसमें से ट्रायल भी नहीं करा मैं सीधा सेलेक्ट करा देता हूँ बोलते तो, ठीक है वो। तो मैं उसमें सेलेक्ट हो गया रूरल नेशनल में, टीम जाना था हरियाणा भिवानी, तो उधर अब मैं फर्स्ट नेशनल मेरा वो। अब गया हूँ जाते ही ज़रा पहली कुश्ती हरियाणा वाले से थी मेरी, फर्स्ट ड्रॉस में पहली कुश्ती, तो पहला राउंड टफ दो दो मिनट के राउंड थे, पहला राउंड 2-1 से जीता, दूसरे राउंड में 6-0 बना दिया, फिर 3-4 कुश्ती यूपी वाले से, आखिर में फाइनल में अपने स्टेट वाले से आंध्र प्रदेश वाले से थी, उसको हरा के 6-0 पहला मेरा गोल्ड आया 38 kgs में रूरल नेशनल में। तो जब जरा कोच साहब की नज़र में भी आया हूँ कि अरे लड़का लड़ सकता अच्छा है बोल के, कि वहाँ से समझो पहलवानी आगे बढ़ी अपनी हल्का हल्का हल्का। फिर रू सब जूनियर नेशनल होता कैडेट नेशनल बोलते उसको, वो था पंजाब में आनंदपुर साहिब में, तो मैं उधर से लड़ना शुरू कर दूँ, तो फिर मैं सेलेक्ट दिल्ली स्टेट हुई, सेलेक्ट हुआ उधर सेलेक्ट 42 kgs में, सेलेक्ट होके इधर पंजाब गए, पंजाब गए तो उधर 3-4 कुश्ती हरियाणा वाले को सबको हरा के मैं फाइनल में चंडीगढ़ वाले से कुश्ती थी, चंडीगढ़ वाले से कुश्ती थी, तो पहले राउंड में मैं क्लिंच पे जीत गया, दूसरे राउंड में वो 1-0 से जीत गया, पहले दो दो मिनट के राउंड होते हैं, दो मिनट में अगर पॉइंट नहीं बना तो क्लिंच था, तो दूसरे राउंड में वो 1-0, तीसरे राउंड में फिर क्लिंच थी, तीसरे राउंड में क्लिंच पे मैं जीत गया, मगर मेरे हाथ इतने भर गए कि अब पानी उठा के भी डाले जैसा भी नहीं था, इतना हाथ टाइट हो गया मेरे, पहली बार जब लाइफ में इतना थका मैं। उसके बाद फिर गोल्ड आ गया, गोल्ड आया तो वो टीम जा रही थी ईरान, दो टूर थे, एक एशिया चैम्पियनशिप का था, एक वर्ल्ड चैम्पियनशिप कैडेट का वर्ल्ड चिल्ड्रन कप कुछ था। तो अब मेरा पासपोर्ट मेरे कन इधर का, आधार कार्ड का मेरा जो हैदराबाद से, राशन कार्ड का और मेरा राशन कार्ड में से जैसे इधर मैं 1.5 साल उधर था, तो इधर नए राशन कार्ड बने उसमें तो नाम चले गया था। अब मेरे को पासपोर्ट के लिए बहुत ज़रूरी था कि प्रूफ, आईडी प्रूफ, अब मैं लड़ा उधर से, अब इधर से पूछे तो नहीं बनता, अब कुछ भी प्रूफ नहीं है, एक महीने में टीम जाना था, तो मेरे दो टूर उधर जब कैंसिल हो गए, दो टूर कैंसिल हो गए, तो फिर मैं अंदर से बहुत वो होगा समझा, अरे वो था कि अरे बाहर जाने का मौका मिला ओके सोचा से, फिर मेरे को कुछ सब समझाया कुछ भी नहीं होता, फिर नेक्स्ट टाइम ट्राई कर। मेरा क्या है शुरू में टारगेट क्या क्या था, जैसे हम दिल्ली अखाड़े में गया था तो बच्चे नेशनल में खेल रहे थे फर्स्ट टाइम, तो मेरे को भी ऐसे दिल में है कि भाई एक बार तो भी गोल्ड आए, इंडिया में फर्स्ट आना, इंडिया में फर्स्ट आना, कहीं वो तो जब छोटे थे तो नाम सुने थे मनोज पलान MCH के, उनका स्कूल नेशनल में गोल्ड है, सेकंड थर्ड की वैल्यू अलग रहती, गोल्ड की वैल्यू अलग रहती, बराबर इतना भी सेकंड थर्ड की उतना नहीं पूछते लोग, जितना गोल्ड की अलग अलग वैल्यू हो जाती, तो मेरे को भी ऐसा था कि यार गोल्ड जीतना है, तो गोल्ड आ गया, गोल्ड आ गया तो जीत गया स्कूल नेशनल में। फिर आगे मेरे को दिल में खाया अरे भाई एक बार तो भी इंटरनेशनल होना, एक बार तो भी इंटरनेशनल, बराबर इंटरनेशनल दिल में इंटरनेशनल होना बोल के था, मगर इंटरनेशनल के लिए मैं कंटिन्यू 3-2 साल हार गया, मैं फाइनल कुश्ती में 2 बार कंटिन्यू हारा, आखिर में अगर थर्ड टाइम इंटरनेशनल हुआ, वो लंबा चला समझो प्रोसेस, मगर बहुत मेहनत करने के बाद वहाँ तक पहुँचे,
फिर दो टूरा कैंसिल हो गए बाद कुछ साहब बोले चल भाई कंटिन्यू रख, क्या था कुछ भी नहीं आता आगे था। तो ऐसे ही मेरा इम्प्रूवमेंट समझो चलते रही चलते रही। फिर 2006 में 7 में मेरे को घर में से यूँ बोले भाई बूट टेंट होगा घर का पोजीशन, 2-2.5 साल के बाद बूट टेंट होगा घर का पोजीशन। तो मैं तो टेंशन वो था, मैं इसके भी पैसे नहीं दिए थे। तो घर में वाले बोले रहन देखो समझ में नहीं आ रहा कुछ भी ये वो। तो मेरा हम बैठते थे जहाँ सर्कल था स्टेडियम में जोर कर रहे तो सब जने चारों तरफ बैठना था, रूल्स था वो कि भाई जिसके जोर हो रहे चाहे छोटे हों बड़े उनके अंदर, छोटे होंगे तो पूरे जने बैठ के देखना एक के बाद एक जिसके जोर चल रहे वो लोग चल। तो मेरे को अब मेरे सामने का लड़का था उन्हें मैं अच्छा था उससे वो मेरे को उठा उठा के समझो दवा मारते जा रहा मैं गिरते जा रहा हूँ। एक बार नहीं उन्हें 3 मिनट के राउंड में मेरे को 15-20 बार दाव मारते गया मैं खाते का। तो मैं योगेश्वर दत्त के साइड जोर कर रहा था कॉर्नर में उसके कॉर्नर में, तो उन्हें जहाँ बैठता उन्हें रोज परमानेंट जगह थी एक उसके कॉर्नर में बैठ, तो मैं उधर ही जोर कर रहा। तो अब उन्हें जोर ख़त्म है प्रैक्टिस ख़त्म है बाद जैसे सुबह मॉर्निंग सेशन ख़त्म होगा तो लंच टाइम पे यानी 12-1 बजे मेरे को बुलाया, अरे हैदराबाद इधर आ क्या हुआ तेरा परफॉर्मेंस कुछ भी नहीं आ रहा क्या हुआ है। तो मैं जब बोला उनको पलान जी ऐसा फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही मैं जा रहा हूँ हैदराबाद को भी यहाँ नहीं करता हूँ बोलता। तो उन्होंने बोले देखो कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है कुछ भी नहीं है को जो कुछ खर्चा होता मैं देखता हूँ। अब क्या है बोलते अपने हैदराबाद में लोगों की सोच लोग आए बोलते अरे इसको कोई भी नहीं दिए पैसे ये दी इन्हें लगाया इन्हें लगाया। भाई मेरे को देखो कोई भी नहीं लगाया पैसे हैदराबाद में ना इधर उधर मैं सपोर्ट करे वो तो हमारे एक्सपायर हो गए को सब ये बिल्कुल सब कभी भी जरूरत है तो उन्होंने बोलते तेरे को कुछ भी जरूरत है मांग लेना। और योगेश्वर दत्त पलान मैं पहलवान बना बोले तो ये दोनों की वजह से आज मैं इतना ये लेवल पे अपने हैदराबाद में तो अच्छे लेवल पे पलान हूँ वो लेवल पे तो काम चला हुआ। मगर जो भी मैं नाम कमाया ये दो लोगों की वजह से जो आज मैं पोजिशन पर कुछ भी हूँ ये दो लोगों की वजह से हूँ। कई वो तो वो जने अपने हैदराबाद में भाई सामने तो नहीं बोलते आदत है लोगों के सामने नहीं बोलने की, अरे इन्हें कुछ भी नहीं है सतपाल पलान लगाया इन्हों सुशील लगाए ये लगाए ना कोई भी नहीं लगाए भाई सब जने सपोर्ट करे सुशील पलान भी सपोर्ट करते सतपाल पलान भी सब मगर फाइनेंशियली जो सपोर्ट करे ना योगेश्वर दत्त करे। बाकी तो समझो उनसे भी कितना बोल के हेल्प ले सकते थे उनसे थोड़ा लेते थोड़ा घर पे से लेते थे थोड़ा एंड थोड़ा थोड़ा। तो पहलवानी के शुरू में क्या था बोले तो जैसे अब चले गए थे हम लोग छोटे छोटे थे तो जब तो अब प्रैक्टिस करना अब हमारे कहीं दूध भी नहीं थे ना बादाम को पैसे थे कुछ भी नहीं थे। प्रैक्टिस करना हमारा स्टेडियम सराउंडिंग है नीचे रूम से अंदर ग्राउंड में जाके बैठ जाना उधर रोते बैठना अरे भाई उधर बादाम के पैसे नहीं थे दूध के पैसे नहीं थे। तो शुरू में क्या करते थे जैसे अब दोस्त थे रूम में बादाम 20 लड़के कुछ थे हमारे रूम में 6 नंबर में तो आज तुम्हारा उसका दूध बच गया ये एक दोस्त पिला देता था उसका बच गया। तो शुरू में पलान यूँ करे मगर क्या है लोगों को अपने हैदराबाद लोगों को बोले बात भी अरे इन्हें लगाया उन्हें लगाया भाई हम कितनी तकलीफ से पला नहीं करें हमारे को मालूम वो मुझे दूसरों को थोड़ी मालूम अब दूसरों को कितना बोले समझा सकते अपन तो किसको भी कोई मेरे से आज तक पूछा नहीं ना मालूम खाली अपने अपने दिल की जो दिल में आया समझो बना लेते अरे भाई देव सिंह को इन्हें लगाया अरे भाई मैं कोई भी नहीं लगा इधर करे तो पला नहीं ये खाली पहलवान बनूँ वो तो बस ये दो लोगों की वजह से और कोई भी समझो ना फाइनेंशियली ना कुछ भी सपोर्ट खाली ये दो लोगों की वजह से पहलवान बना। सपोर्ट करते थे अमर कोच साहब थे रामपाल कोच साहब ये सतपाल पलान सुशी पलान ये लोग खाली पहलवानी के थ्रू जो फाइनेंशियली सपोर्ट है वो लोगों का मगर इनकी वजह से आया। बाद में हमारे जैसे 2008 के बाद वीरेंद्र कोच साहब आए उन्होंने भी समझो फाइनेंशियली भी बोले तो भी उन्होंने सपोर्ट करते थे मगर उन्होंने और अच्छा देखते थे कई वो तो एक लेवल तक पहुँच गए थे उधर जाके एक लेवल तक पहुँच गए थे कि भाई एक टॉप क्लास पहलवानों में नाम आ गया था समझो कभी भी कौन सा भी कॉम्पिटिशन हुआ तो बिना मेडल के नहीं आते थे हम लोग स्टेडियम में एक नाम था अरे भाई फलाना बच्चा एक जीत तो एक पहलवानों की लिस्ट में था तो उसमें आता था समझो। आप डिस्ट्रिक्ट लड़े स्टेट लड़े उसके बाद नेशनल भी लड़े आप नेशनल लड़े उसके बाद भी मेडल मारे आप बोले अभी मेरे दो नेशनल इंटरनेशनल मिस हो गए उसके बाद आप नेशनल इंटरनेशनल को टच करे इंटरनेशनल में मेडल है वो इंटरनेशनल का सफ़र कैसा था भैया आपका मतलब आप अपने आप को कैसा प्रिपेयर करे ऑलमोस्ट आपको बोल रहे थे हैदराबादी उत्ता नोक छोक दिखाते थे इंटरनेशनल को प्रिपेयर करके आप इंटरनेशनल में कैसा लड़के इंटरनेशनल में मेडल कैसा लगाया भैया। भाई जैसे अभी सिलेक्शन था सब जूनियर का यहाँ से मैं सेलेक्ट हुआ था यहाँ से फिर अपने हैदराबाद से फिर स्टेट में सेलेक्ट हो गया सेलेक्ट हुए बाद मेरा पहला नेशनल हिमाचल प्रदेश में था ऊना में
तो उधर मैं 46 kg में सब जूनियर में सेकंड आया था। तो फर्स्ट टाइम मैं इंडिया कैंप अटेंड करा था, 2009 की बात है, 2007 में करा था वो, जब मेरा पासपोर्ट नहीं बना वो कैंसिल, 2008 छोड़ कर 2009 में। तो मेरा उधर सिल्वर मेडल आया था, फिर इंडिया कैंप में थे हम लोग, इंडिया कैंप में जैसे पूरे इंडिया के जो जो हर वजन के चार लड़के 42 से 120 तक चार लड़के। तो उधर मेरा सिलेक्शन ट्रायल में जैसे 50 किलो का लड़का कम करके आ गया तो 46 में आ गया उन्हें, तो उन्हें समझो एक पक्का था उन्हें दावेदार कि भाई हम लोगों को कही वो तो एक वजन जम बढ़ गया था उन्हें हमारे से। तो उन्हें और मेरा रूरल नेशनल में मेरा 38 में गोल्ड आया तो उसका 46 में आया था जब भी, तो अब मैं भी 46 में उन्हें भी 46 में, तो सबसे अच्छा था समझो। जैसे हम 2 महीने हमारी प्रैक्टिस थी इंडिया कैंप में, 2 महीने में जोरों में उन्हें सबको पकड़ पकड़ खींच के मारा। तो पहली फाइट मेरी उससे थी तो मैं उसको हरा लिया, समझो टफ था उन्हें सबसे अच्छा था उसको हरा लिया। फिर जैसे आधे घंटे में कुश्ती आ जाती, फिर एक और हरियाणा वाले से वो कुश्ती टफ हो गई, फिर जो फाइनल कुश्ती थी हरियाणा वाले से उससे मैं हार गया, समझो थक गया था ज़्यादा। उसकी हल्की कुश्ती हुई थी एक एम पी वाले से, एक और उनके अखाड़े वाले से, तो उन्हें वाकड़ एक वाकड़ मिला था एक एम पी वाले को 6-0 बना के उन्हें हरा लिया। तो मैं थका हुआ था ज़रा, तो जब फर्स्ट आया वहाँ से, फिर 2010 में वो था नेशनल, फिर सेलेक्ट हुआ इधर से मैं, तो इधर सेलेक्ट हुआ। तो फिर जब का जब जूनियर नेशनल था, जूनियर नेशनल में साथ में हाँ उधर, तो जैसे इधर फर्स्ट आया, फिर सब जूनियर के बाद जूनियर नेशनल था अगले नेक्स्ट ईयर, वो ईयर में मिस हो गया समझो नेक्स्ट ईयर। तो मैं खेला ये खेल जूनियर नेशनल खेला, ये था जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में जूनियर नेशनल था। तो उधर मैं खेल के उधर 2 दिन का सफ़र करके गया हम, जैसे हैदराबाद से दिल्ली, दिल्ली से फिर जम्मू, तो 2 दिन का सफ़र था। मेरा वज़न था 52-53 kg में खेल रहा था, तो मैं ट्रेन में कम खा के पी के भी गए, तो मेरा 54 एंड ऑफ आ गया उधर गए। तो हम पहुँचे उस दिन मॉर्निंग 9:00 5:00 वेट था। अब उधर देखे तो वज़न इतना 4.5 किलो शाम तक घटाना, और 2 दिन से मैं बुक ही ट्रेन में कम ही खा के था मैं कि वज़न बढ़ जाएगा, अब देखे तो फिर भी बढ़ गया वज़न उधर। अब उधर मैं सोच रहा भाई नहीं आता वज़न उस दिन, तो फिर बजरंग वो लोग थे, वो लोग जरा हमारे कोच साहब थे पर दिल्ली के, जो मेरे दोस्त थे जो हमारे अखाड़े के लड़के थे, वो लोग थोड़ा प्रैक्टिस कर रहे करेंगे। तो उस दिन बड़ी मुश्किल से मेरा वज़न शाम तक आ गया समझो 50 kg। तो उधर मैं सेकंड आ गया, 4-5 कुश्ती जीत के फाइनल में, फिर वही हरियाणा वाले से हार गया मैं। तो जो लास्ट टाइम सब जूनियर में ट्रायल में हारा था, फिर फाइनल में भी उससे तीन राउंड चली कुश्ती, 3 राउंड में हार गया, 3rd राउंड में मैं। और उधर से फिर सब जूनियर नेशनल था 15-20 दिन के बाद ही सब जूनियर नेशनल का तमिलनाडु में, तो मैं यहाँ से सेलेक्ट था डायरेक्ट अपने आंध्रा से सेलेक्ट था तेलंगाना से। तो उधर से मैं जैसे तमिलनाडु गया, तो तमिलनाडु में उधर यूँ बोल दिया कि भाई जो जो जिसका जूनियर में मेडल ना उन्हें सब जूनियर नहीं लड़ना, डायरेक्ट उनकी ट्रायल हो जाती जैसे इंडिया कैंप लगता ना, डायरेक्ट उधर ट्रायल देने जा सकते हो। अब मैं अब उधर तमिलनाडु में रहने का अलग था ज़रा फैसिलिटी, उधर खाली खाने को खाली 2 शे, नाश्ते में 2 शे, ब्रेकफास्ट में 2, सब में 2 शे, लंच डिनर में भी 2 शा था। तो अब ये मोटे मोटे वो उत्तपा 2 शा बोलते, ये मोटे मोटे खाए भी नहीं जा रहे, तो मैं बोला नहीं होता। फिर मैं डायरेक्ट उधर से निकल के जब तक हमारा जूनियर का कैंप स्टार्ट हो गया था सोनीपत में, बालगढ़ में हरियाणा में, तो उधर से मैं डायरेक्ट इधर आ गया कैंप के वास्ते। तो इधर जूनियर कैंप में प्रैक्टिस कंटिन्यू, फिर उसकी मालूम हुआ कि भाई ये दिन फलाने दिन ट्रायल है सब जूनियर की पूना में। तो कोच साहब बोले जाओ तुम लोग ट्रायल, जो जो जूनियर के लड़के थे ना जिसकी एज थी सब जूनियर की देने की, जाओ। तो हम लोग चले गए उधर, पहुँचे ट्रायल देने, वजन ज़्यादा था उधर जाके कम करे बाद 3 कुश्ती हुई, 3 कुश्ती जीतने के बाद इंटरनेशनल में सेलेक्ट हो गया मैं। सेलेक्ट हो गए बाद 1 महीने के बाद या 15 दिन कुछ ऐसे था, हम 15-20 दिन का गैप था। गैप के बाद बैंकॉक जाना था, थाईलैंड बैंकॉक एशिया चैम्पियनशिप के वास्ते। तो फर्स्ट टाइम जरा खुशी थी फ्लाइट में बैठने की, अभी तक नहीं बैठे थे फ्लाइट में, अरे भाई हम भी बैठेंगे ये करेंगे। तो फर्स्ट टाइम गए पर फ्लाइट में बैठे, दिल खुश होगा देखे तो 2.5-3 घंटे में फिर उतर भी गए उधर बैंकॉक थाईलैंड पहुँच गए। पहुँचे बाद अब वजन था, अगले दिन वज़न कम कर लिए बाद पहली कुश्ती थी श्रीलंका वाले से। वो तो ऐसी था समझो, वो तो 6-0 मना के जीत गए। अब दूसरी कुश्ती थी ईरान वाले से, ईरान का नेशनल गेम है रेसलिंग, टफ कुश्ती थी वो कुश्ती समझो 3 राउंड हुई,
तो तीन राउंड में मैं जीत गया। फिर तीसरी कुश्ती थी इससे उज्बेकिस्तान वाले से, उज्बेकिस्तान के साथ। अब पहला राउंड तो वो जीत गया क्लिंच पे, अटैक नहीं मारो मैं नहीं मारू कहीं। वो तो इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में क्या था कि जब कभी आधे घंटे में फिर कुश्ती आती थी, आधे घंटा 20 नेशनल इंटरनेशनल रूल्स था कि 15 मिनट के बाद दोबारा लड़ सकते, कभी भी हो सकती है आपको। तो मैं थक गया, ईरान वाले से लड़के थक गया। उसकी भी टफ कुश्ती हुई थी, उज्बेकिस्तान की कजाकिस्तान की टफ कुश्ती हुई थी, तो दोनों भी उन्हें भी थका हुआ था। तो पहले राउंड में हम दोनों नज़दीक भी नहीं गए, यूँ भी नहीं करे, तो क्लिंच पे वो जीत गया राउंड। मैं बोला अब सेमीफाइनल कुश्ती है, बोलो अब नहीं जी, अब अटैक नहीं मारे तो फिर कुछ भी नहीं कर सकते, फिर थर्ड फोर्थ के वास्ते लड़ना पड़ता। चला चला के अटैक मार के 2-0 से कुछ जीता हूँ। तीसरे राउंड में और स्पीड चलाने को कही, वो तो बाहर वाले थकते ज़्यादा, अपने जल्दी थकते वो लोग, तो और एक दो हाथ मारते हुए मैंने तीन का दाव मार दिया। तीन का दाव मारते हुए मैं देखूँ, जैसे मैंने दाव मारे बाद उधर स्क्रीन रहती हूँ, टाइम स्क्रीन, अब अपने इंडिया में पहले नहीं थी, तो देखे तो मैं बोला अरे शुरू स्टार्ट हुई थी जस्ट अबाउट 35 सेकेंड्स हुए, मैं बोला अभी 1 मिनट 25 सेकंड बाकी है, कवर कर सकता। मेरे क्या कॉन्फिडेंस था, मैं एक बार उसको नीचे लाया तो रोल मार के कवर कर लेता हूँ बोल के। चला के एक अटैक मार रहा हूँ, उन्हें क्या सोचा कि 3 पॉइंट का दाव, मेजर टेक्निक है उसमें। मैं खींचते ही बैठ गया, उन्हें बैठते पॉइंट नीचे लेके दो रोल मार दिए, एक इधर। अब तो 5-3 का स्कोर होगा, डिफेंस करके जीत गया। अब फाइनल कुश्ती थी इससे मंगोलिया वाले से, पहला राउंड 1-0 थे, दूसरा राउंड 1-0 से जीत के फर्स्ट टाइम एशिया चैम्पियनशिप में गोल्ड आया मेरा। एशिया टैम्प गोल्ड आने के बाद भाई जैसे अपन खेलना बोल के जाते, अपन हम इंडिया से खेल रहे थे वो अलग था, मगर जब गोल्ड आए बाद जब मालूम हुआ कि इंडिया के लिए खेल रहे थे बोल के, उधर तो अपने लिए खेल रहे थे समझो शुरू में, मगर जब मेडल आया, जब इंडिया जब मेडल सेरेमनी पे जाते स्टेज पे चढ़े, हाँ। तो जिस जो फर्स्ट आता ना उसका नेशनल एंथम बजता, हाँ। तो जब फर्स्ट आए बाद नेशनल एंथम बजा तो जब मालूम यूँ मिला कि दिल को अरे भाई ये तो अपने वास्ते सोच के आए हम, ये कंट्री का बाद में फिर महसूस हुआ, आँखों में आंसू आ गए कि नेशनल एंथम अरे भाई बजर अपने वास्ते, अपने अपन इतना ऐसा काम करेगी अपने इंडिया का नेशनल एंथम इधर बाहर बज रहा बोल। तो जब फर्स्ट टाइम समझो एशिया चैम्पियनशिप में आंसू आ गए मेडल सेरेमनी पे चढ़े बाद, ये था कि दिल में अरे भाई ऐसा और करेंगे आगे फ्यूचर में भी ऐसा सोच के, फिर समझो उसके बाद और 3-4 टूर लगे, और 3-4 में समझो फर्स्ट टाइम उधर मेडल आया। फिर 15 दिन के बाद ही फिर एक वर्ल्ड चैम्पियनशिप का सिलेक्शन था, वर्ल्ड यही 15-20 दिन के अंदर ही था वो भी। तो अब उधर इधर से आके इधर से आते फिर प्रैक्टिस शुरू कर दिए, तो इंडिया कैंप में प्रैक्टिस शुरू करते, अब उन्होंने क्या बोल दिया कि वीज़ा नहीं लग रहा, हंगरी जाना था, अब वीज़ा नहीं लग रहा, अब जाना कल सुबह की फ्लाइट है, आज हमको अब इवनिंग तक भी हमको नहीं मालूम कि हमारा वीज़ा लगा नहीं लगा, कन्फर्म नहीं था, और वेट कम करना, वेट कम के अगर वीज़ा नहीं लगा तो वेट कम करके क्या करेंगे बराबर मर भूखे क्यों मरेंगे बोल के, तो प्रैक्टिस नहीं करके बैठे हुए थे ऐसे भाई, अगर फ़ोन आया वीज़ा लग गया तो स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस, नहीं तो फिर रेस्ट खा लेंगे दबा के फुल कहीं। वो तो एक वो कॉम्पिटिशन लड़के वजन कम करके आए थे एशिया चैम्पियनशिप 15 दिन पहले, फिर आते इधर तो वही 15 दिन का गैप था, तो अब हम प्रैक्टिस रोक के रखे थे, मैं बजरंग हमारे तालीम के 3-4 लड़के इंडिया कैंप ऐसे मैट हॉल पे बैठे थे, तो फ़ोन करे तो अरे अभी कंफर्म नहीं है वीज़ा, तो उन्हें बजरंग भी बोल रहा था अरे भाई अगर मालूम हुआ कि लग गया, वो उन्हें 54 में था बजरंग, मैं 50 किलो में था, तो बजरंग को 6 किलो कम करना था, मेरे को 4 किलो कम करना था, अब उन्हें उसको ज़्यादा करना था, अब उन्हें बोला भाई मेरे से भी नहीं, और आप वीज़ा लगा ठीक है प्रैक्टिस करेंगे ना, तो फिर जब भी फ़ोन आ गया अरे भाई वीज़ा कन्फर्म होगा कल सुबह की फ़्लाइट है, तो खुशी और मेहनत ज़्यादा प्रैक्टिस करके हंगरी गए, हंगरी जाते वर्ल्ड चैम्पियनशिप थी उधर। तो मेरी पहली कुश्ती इजिप्ट वाले से थी, तो उसको मैं ऐसे 6-0 बना के जीत गया। दूसरी कुश्ती रशिया वाले से थी, तो रशिया ज़्यादातर अच्छे रहते रशिया रशियन रेसलर, तो रशिया वाले से पहला राउंड जीत गया मैं, उन्हें लास्ट टाइम वर्ल्ड चैम्पियनशिप में गोल्ड मिली था रशिया वाला, तो पहला राउंड 1-0 जीत गया, तो कॉन्फिडेंस ज़रा वो होगा समझे। सेकेंड राउंड चल रहा, सेकेंड राउंड में उन्हें मेरा पैर पकड़ के पुश करते करते जोन के सर्कल के बाहर लेके जाने का, तो मैं उधर से जंप मार दिया पहले वो आया बाहर, वो आया तो एकदम हमारे रेफरी साहब को हमारे जो कोचिंग देते मैं उनको बोल रहा हूँ ऑब्जेक्शन फेंको जी, पहले उसका पैर भर गया, तो नहीं तू लड़ 5 सेकंड करा था कुछ ऑब्जेक्शन करने का, नहीं करा, अब मैं लड़ लिया वो राउंड, वो जीत गया तो मैं बोला ऑब्जेक्शन करना, तो हमारे कोच साहब बोले जो साथ में थे हमारे
मैं समझो तू ले लेता पॉइंट, इस वास्ते कुछ भी नहीं करो। और तीसरे राउंड में फिर उन्हें 1-0 से जीत गया राउंड। वो पूरे कॉम्पिटिशन में बस मेरे से उसकी तीन राउंड कुश्ती हुई थी और मैं ही पॉइंट लेना था उसके ऊपर, बाकी पूरे जनों को तो उन्हें 6-0 6-0। फिर मेरी रिपेचेस में फिर कुश्ती हुई, 2 कुश्तियाँ और हुई, एक जापान वाले से एक उधर के हंगरी वाले से। वो कुश्तियाँ हुई बाद दोनों को मार के मैं फिर USA वाले से 3rd 4th की कुश्ती थी जीत के फिर दोबारा आया हूँ। तो मैं रिपेचेस में फिर USA वाले को मार के मैं 3rd आया, और जिसको 15 दिन पहले मैं हराया था ईरान वाले को, उन्हें 2nd आया, उन्हें अलग ग्रुप में था। ओके उसका सेफ ग्रुप गिर गया, उन्हें फाइनल तक चलेगा। उन्हें रशिया वाला उसको 5-0 6-0 से मार दिया। खाली टफ बोले तो 1-1 पॉइंट से आ रहा, तो मैं आ रहा हूँ समझो इन्हें देख। तो वही उसका ग्रुप सेफ गिरने से उन्हें फाइनल तक आ गया। अब मेरा ग्रुप टफ था पहले को रशिया वाले से थी, इस वक्त मैं ज़रा उसमें रह के वो आ गया मैं। फिर उसके बाद कंटिन्यू करते गए, जैसे स्कूल अंडर 19 अंडर 17 में इसमें गोल्ड आते रहा। अब टारगेट क्या रह गया वो तो ये छोटा दिखने लग गया समझो। अब इंटरनेशनल जाके मेडल जीत लिए, तो जैसे शुरू में हम स्कूलों की कुश्ती लड़ते तो हमारे से ट्रायल देने बहुत आते थे। जब ये मेडल आने से तो हमारा डायरेक्ट सिलेक्शन होगा शुरू होगा, ये भाई इनसे ट्रायल देने भी कोई भी नहीं आता समझो, डायरेक्ट सिलेक्शन था हमारा ये लड़े। तो हम उम्मीद क्या थी वो तो ये पहले ये बड़ा दिखता था, अब ये आते ही वो अब एक इंटरनेशनल लेवल पर चले गए तो अब वो ये कुछ भी नहीं दिख रहा। अरे भाई और जितना फिर नेक्स्ट ईयर फिर सिलेक्शन हुआ मेरा, जूनियर नेशनल में मेडल आया, जूनियर नेशनल में सेलेक्ट हुआ। फिर कजाकिस्तान गई थी टीम, उधर पहली कुश्ती ईरान वाले को मार के जीत के, फिर दूसरी कजाकिस्तान वाले को सेमीफाइनल कुश्ती हारा मैं कजाकिस्तान वाले, दूसरी कुश्ती जापान वाले जीत के कुछ अरे जीत के, तीसरी कुश्ती कजाकिस्तान वाले से हार गए। फिर 3rd 4th में जीत के समझो जूनियर एशिया चैम्पियनशिप में 3rd आया, एक अलग रहता जूनियर एशिया चैम्पियनशिप का, उसमें मैं इंटरनेशनल में समझो 3rd आया। फिर भाई आप तो आपके पूरे पहलवानी में नेशनल में कितने बार मेडल लगा भाई आपको, जूनियर सब जूनियर सीनियर्स में, और आपके इंटरनेशनल में कितने बार मेडल लगा भाई आप? मेरे देखो अंडर 14 में अंडर 17 अंडर 19 में मिला कि 7 मेडल तो ये खाली स्कूल कॉलेज में इसमें है मेरे, फिर सब जून में 3 है, जूनियर में 3 है, हिंदी केसरी में 3 है, 20 के वो है समझो मेरे नेशनल मेडलिस्ट, खाली नेशनल मेडल मेरे 20 है, 20 के ऊपर ही है। फिर ये क्या ना इंटरनेशनल के 3 मेडल है मेरे पास, यही जैसे नेशनल इंटरनेशनल मिलाकर 25 के करीब निकलते मेरे पूरे क्वान्टिटी। आपकी पहली इंटरनेशनल कौन सी पहली मेडल है भैया? वो मेरा एशिया चैम्पियनशिप में गोल्ड है मेरा, फिर 2nd वर्ल्ड चैम्पियनशिप में ब्रॉन्ज है, फिर 3rd एशिया चैम्पियनशिप में जूनियर एशिया चैम्पियन फिर ब्रॉन्ज है, फिर अमेरिका में 1 महीना प्रैक्टिस के लिए गए थे। ये मेरा एशिया जूनियर में जैसे ब्रॉन्ज आया था, ब्रॉन्ज आए बाद ओलंपिक का चल रहा था कैंप, जब अमित दया सेलेक्ट हो गया था 55 किलो में, तो इनके साथ एक पार्टनर होना था कि भाई कौन सा पार्टनर है जो, तो प्रेजेंट मेरा मेडल आया था उधर, तो बोले भाई चलो इंडिया में टॉप पे चल रहे थे जब माधुरी, तो बोले चलो इसको लेके चले जाएंगे इंडिया के हम अमेरिका में, तो उनके थ्रू समझो पार्टनर बन के ओलंपिक कैंप में था 1 महीना अमेरिका, तो उधर जाके थोड़ा नॉलेज हुआ कि अरे भाई अपने इंडियंस में कि अपने इंडियन वालों के अपना इंडिया के अब मेडल अच्छे आ रहे हैं। पहले प्रेजेंट 2010-12 में ज़्यादा कम आते थे वो टाइम पे, अब मेडल्स ज़रा इम्प्रूवमेंट, अब फैसिलिटी अच्छी हो गई अपनी इंडिया की फेडरेशन की, तो पहले कम आते थे। तो पहले उधर गए तो मालूम हुआ कि भाई अपन लोग क्या करते, ये लोग क्या करते, वो लोग डनपटक लगाते ही नहीं थे बाहर वाले, बहुत कम 50 मारे 100 मारे बहुत मार दिए, अपने इधर तो 1000-1000 मारने वाले भी थे। तो जाके देखे वो लोग जिम यानी फिजिकल फिटनेस कि ये जिमनास्टिक 120-120 किलो वाला जैसे 3 मैट्स बिछवे रहते थे जिसमें प्रैक्टिस करते थे, 120 किलो वाला कंटिन्यू सर्कल मारते मारते स्टैंडिंग जंप कंटिन्यू नॉन स्टॉप वो कंटिन्यू मारता था, और अपने इंडिया में जब नहीं मार सकते थे कोई भी, अब प्रेजेंट में तो करते हैं, जब अपने जब 55-57 किलो के एक दो मारे बहुत मारे, मगर उन्हें कंटिन्यू पूरा मैट्स मार के मैं देखो 120 किलो वाला ये मार रहा, उस टाइम पे जॉर्डन भी था 74 kg में, तो उन्हें क्या है बोलते चिनस मारते समय एक दो चैन थी ये मोटी मोटी चैन डाल के चिनस मारता था। अपने इंडिया पे खाली सुशील योगेश्वर दत्त वो लोग मार सक रहे थे, बाकी किस पे भी नहीं लग रहे थे, खुद का वेट उठाना चिनस मारने के लिए। तो जब देख के मालूम हुआ कि उनका प्रैक्टिस सेशन कैसा रहता था कि भाई फलाना टाइम है 5 बजे स्टार्ट, 5 से 6 में उनका सब खत्म हो जाता था, पूरी मेहनत खत्म 1 घंटे में, 5 बजे स्टार्ट कर रनिंग
एग्जैक्ट टाइम 5 बजे, तो 5 बजे क्लास लग जाना उधर, हाजिर लगती थी 1 मिनट 1.5 मिनट, क्या क्या आज के सेशन में बता देते थे समझ, आज के सेशन में ये प्रैक्टिस है, फलाना प्रैक्टिस है, तो उन्होंने प्रैक्टिस स्टार्ट करते, रनिंग भी कर लेते थे, पीटी भी कर लेते थे, उसमें जोर कर लेते थे, टेक्निक कर लेते थे, पूरी मेहनत 6 o'clock को, फिर वो लोग दिखते नहीं थे वहाँ पर, पैक करे फिर निकल गए, ये प्रैक्टिस। और अपने का क्या था, बोलो तो 3 घंटे कर रहे, 2.5 घंटे कर रहे, कंटिन्यू कर रहे, मार सपाट मार ये मार, तो जब देख के ज़रा नॉलेज आया, अरे भाई इतनी की ज़रूरत नहीं, खाली फिटनेस भी जो इम्पोर्टेंट है ये, तो वो देख के भी सर थोड़ा नॉलेज आया कि भाई अपने में इम्प्रूवमेंट का। और अपने कन पहलवानी जल्दी ख़त्म हो जाती इंजरी हो, तो उतना वही कि ज़्यादा मेहनत भी उतना मेहनत ज़रूरी है, मगर उतना भी ज़रूरी नहीं है। अब जैसे अपने इधर लोग बोलते भाई हम 1000 मारते थे, बराबर 2000 मारते थे, मगर मारते थे भाई, वो टाइम अलग था, प्रेजेंट का टाइम अलग है। अभी भी लोग बोलते कि पुराने लोग आके जैसे अब हम भी स्टेडियम में कराते बच्चों को, नहीं हम इतने इतने करते थे इतने, मगर जब करते थे पहले ही कुश्ती को देखो, अब की कुश्ती को देखो, पहले टाइटल की कुश्ती 1 पॉइंट से हार जीत होती थी 19-20, आजकल टाइटल के पलाना भी 2-2 मिनट में 10-10-0 बना दे रहे, बराबर टफ पलान भी रहे तो लोगों का स्कोर जा रहा, कि आज के टाइम में अपने इधर की पलानी में इम्प्रूवमेंट होगा बहुत, जैसे पहले की पलानी को अब की पलानी की, तो वो लोग पुराने लोगों की पुरानी सोच भाई, अब क्या है तो 1 पॉइंट से जीत, अब पहलवानी बहुत फास्ट हो गई, अपने इधर भी फास्ट हो गई, बाहर भी बहुत फास्ट हो गई, तो भाई उतनी मेहनत करने की मेरी थिंकिंग में देखो भाई, उतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, मेहनत कम करो चल जाता, मगर दिल से करना, थोड़ी करो कितनी भी करो दिल से करना, मगर इतना भी नहीं कि दिल से बोले तो 100 मारना है बस 100 मारना है, तो इम्प्रूवमेंट कहाँ से आएंगे बराबर, अब सामने वाला अच्छा है मेरे से तो उसके बराबर तो करना भाई, मैं इसके बराबर ही करना है, मेरे को इसको डिफीट करना है। मैं हमारे उधर क्या रहता था मालूम, हमारे स्टेडियम में छत्तीसगढ़ स्टेडियम में पूरे इंडिया कैंपर थे समझो, पूरे इंडिया के टॉप मेडलिस्ट थे, तो रोज़ आपस में जोर होते थे, तो जोरों में ही हमारी रोज कुश्ती हो जाती थी समझ लो, कि अरे भाई तू फलाना मेरे को आज पकड़ लिया 2-3 बार, इन्हें पकड़ा कैसा आज, कल अरे कल जोर करना है, तो हमारे कंटिन्यू जोर थे, सोमवार मंगल बुध गुरुवार को क्रॉस कंट्री से जोड़ने होते थे, शुक्रवार शनिवार संडे रेस्ट, तो हफ्ते में 5 दिन कंटिन्यू 5 दिन जोर होते थे, तो उधर पूरे टॉप नेशनल मेडलिस्ट थे, अब तुम्हारे वजन का तुमको मालूम कि भाई इन्हें तुम्हारे वजन का टॉप का पहलान है, कि मेरे को लोकल दंगल में भी नहीं नेशनल में मेरे को इसको लड़ना है, फिर भी उधर जोर करना पड़ता था, कोई नहीं बोल के ना कोसा बोले जोर तो जोर, तो जो रोज जोर हो के 19-20 कि अरे भाई आज ने मेरे को इतने बार पकड़ लिया गुस्से में, उन्हें मेहनत मार रहा, अब एक ही जगह अच्छी मार रहा अपन भी कंटिन्यू, उन्हें नहीं रुके जब तक अपन भी नहीं रुकना, ये और टारगेट था, उस वास्ते इम्प्रूवमेंट आते गए समझो आते गए, मगर एक लिमिट थी भाई 500 मारना है बस, उससे ज़्यादा नहीं, जोर करे बाद मैं 300 मारता था सपाट 100 डन रस्से चिनफ ये कर लेता, शाम में पोस्टर मराते थे 500 वो मार लिए बस, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है भाई, दिल से सही रह के पहलवानी कर लेना भाई, पहलवानी कर रहे आप क्या है हनुमान जी का है लंगोट बन रहे, तो सही ब्रह्मचारी रह के पहलवानी कर लेना, जितने दिन करो भाई शौक देखो सब उम्र भर करना है, थोड़े दिन पहलवानी करना है 5 साल 10 साल, अपने इधर तो और छोटी है भाई पहलवानी, तो 10 साल बहुत हो गए अपने इधर हैदराबाद के हिसाब से, 10-12 साल बहुत हो गए, फिर शौक तो जिंदगी भर के भाई, मगर जितने दिन कर रहे अपन एक सही रह गए डिसिप्लिन, अपने कन बड़े छोटे का डिसिप्लिन बहुत कम है अपने है भाई। अब इतनी बड़ी पहलवानी में आपको कुछ सभी तकलीफ़ फेस करें क्या भैया? भाई इतनी बड़ी पहलवानी में तो तकलीफ़ा बहुत एक वो नहीं है समझो, लिमिट नहीं है, हदसे ज़्यादा तकलीफ़ा, मैं आपको बताया कि मेरा 2007 में ही छोड़ देना और मैं दिल्ली छोड़ के आना योगेश्वर की वजह से यहाँ तक था, तो क्या हुआ तो अब वो भी पहलवान भी योगेश्वर पहलवान भी ज़्यादातर इंडिया कैंप में रहता था, अब उससे मांगना भी कितने अच्छा नहीं दिखता, फिर घर से भी आता था समझो बस नहीं हो रहा था जितना होना चाहिए, या एडजस्टमेंट में चला रहे थे गाड़ी, तो 2009 तक समझो घर वाले भी इधर से लेके इधर से ले कर्जा ले लेके बेचते थे, 2009 में जैसे शिवाजी केसरी हुई थी, शिवाजी केसरी में मैं गाड़ी जीता था प्लैटिना, वो बेच जीते बाद वो बेच दिया, जैसे मेरे को स्कॉलरशिप आई थी इधर पटियाला से पहले आती थी स्कूल नेशनल में गोल्ड जीतने पे 8,600 रुपये वो आती थी, फिर इसको इससे अलग आती थी दिल्ली गवर्नमेंट से 4,000 रुपये वो अलग, वो पूरे जैसे मैं मेरा भाई करके टोटल 1-1.5 लाख रुपये कुछ हुआ था हमारे पास, वो समझो जो कर्जा था वो फेर दिया उस टाइम पे, वही बहुत ज़्यादा 1-1.5 लाख 2009 की बात करूँ तो, बहुत समझो अभी भी
पहलवानी छोड़ने का मतलब भी वही था मेरा कि फाइनेंशियली प्रॉब्लम जो थे छोड़ दिए पहलवानी समझो, नहीं तो अब कंटिन्यू रहते थे उधर ही रह के करते थे। 2014 में मैं हैदराबाद आ गया था, 4 से 14 तक 10 साल मैं दिल्ली में था, तो फाइनेंशियली प्रॉब्लम गया। फिर इधर आके समझो इधर जो मेन टूर्नामेंट था जिसमें कैश प्राइज रहता था, गाड़ी रहती थी, मेन टूर्नामेंट ही लड़ता था हर टूर्नामेंट में, जैसे तेलंगाना के ये रहा था जिसमें फाइनल प्राइज है वही टूर्नामेंट लड़ा मैं। मगर लोगों के क्या सोचती है, अरे भाई इन्हों छोटे टूर्नामेंट ना, बहुत जने बोलते भाई सामने नहीं बोलते बस पीछे समझो लोग, अरे इन्हें जिसमें गाड़ी है उसमें वही लड़ता है, इन्हें दूसरों को मौका नहीं। तो भाई मौका हमारी परेशानी हमारे को मालूम है, हम जो परेशानी थे पला नहीं करे, कोई हमारे को 1 रुपये दिया नहीं करा नहीं बराबर। तो मैं दूसरों को मौका जब तक मैं मालूम कि भाई फलाना चीज मैं लड़े तो मैं जीत लेता हूँ, तो मैं दूसरे को आप देते क्या, आप उधर आपके पास 1 लाख रुपये आप मेरे को दे देते क्या बराबर, कोई भी किसको भी नहीं देता भाई। जब मैं मालूम मैं फिर मौका भाई कोई अच्छा रहते हुए दूसरों को चांस कोई भी नहीं देता, मौका बनाना पड़ता, मेहनत करके डिफीट करना पड़ता, इतनी मेहनत करे बाद मैं दूसरों को मौका दे बोले तो कौन देता आप ये बोलो आप। सही है, सब लोगों का क्या बोलते अभी भी लोग बोलते रहते रहे भाई ये दोनों भाई हाँ दूसरों को मौका है, अरे मौका कैसा देते भाई, हम इतनी पलानी करके इतना खर्चा करके बाहर रह के आए तो दूसरों को मौका देते हुए तो थोड़ी होता बराबर, कोई दूसरा हमारे को कुछ लगाए करे बोलने को बोल देते भाई। अभी भी लोग हैं सोच, लोगों की सोच नहीं बदल सकते अब, जिसकी सोच ओसी आदमी है समझो, आप सबको समझाते बैठने का थोड़ी बराबर, जो जैसा समझा ओसी से जो करा पलवानी करा उसको सही नॉलेज है उन्हें समझ सकता, वो सारा थोड़े दिन पहलवानी करके आजकल भाई आप आपके 10 साल की पहलवानी में अपने हैदराबाद में कौन से टूर्नामेंट लड़े भैया? भाई क्या बोलते 10 साल नहीं 2020 चल रहा 2001 से 19 ईयर्स हो गया समझो। अपने हैदराबाद में तो जैसे मैं ये गणेश केसरी लिया शिवाजी बाल केसरी समझो टाइटल नहीं बाल केसरी गणेश केसरी बाल गणेश केसरी शिवाजी केसरी वीर तेलंगाना केसरी ये श्री कृष्ण केसरी ये बाल केसरी समझो। फिर दंगल में तो लड़ते रहते थे महाराष्ट्र तेलंगाना केसरी में गोल्ड यानी इधर इधर लड़ो ज़्यादातर तो गोल्ड मेडल ये समझो चाहे बाल केसरियाँ जीत के 6-7 गद के बाल केसरियों के है, बाकी तो वही दिन के तो बहुत मेडल आए एक कवर भर के कब मेडल है इतने तक। भैया आपके पहलवानी के टाइम में आप तो घर के बड़े बेटे हो, आपकी फैमिली की सपोर्ट कैसा रहता था, आपके पिताजी कैसा आपके माताजी कैसा आपको सपोर्ट करते थे आप बाहर रहे तो? वो उस टाइम पे तो भाई जैसे फ़ोन भी हमारे घर पे फ़ोन नहीं था जब तो एक हमारे घर के पास एक जनों का था लैंडलाइन वो भी अखाड़ों में भी उस टाइम पे तो वो नोकिया 1100 वो चलता था जब 2003-4 में भाई जब की बात तो हमारे घर वाले समझो गणेश का पिताजी गणेश की मूर्ति बनाते थे, बाकी तो दूसरे टाइम जैसे सीज़न के हिसाब से चलता था काम गणेश बना दिए फिर किसका किराए से पतंग बनाना किसकी भी ये ऐसा करके बहुत प्रॉब्लम से घर वाले सपोर्ट करे समझो घर वालों के सपोर्ट से यहाँ तक पहुँचे हम मतलब हमारे मम्मी हमारे डैडी बहुत सपोर्ट करे फाइनल से हमारी बहना भी उन्होंने भी काम करते थे गणेश का पतंग का वो लोगों की सपोर्ट की वजह से अब आज ये पोजिशन पे है समझो हम लोग। पहलवानी की यादगार दिन कौन सी थी? यादगार दिन देखो भाई मेरा एशिया चैम्पियनशिप में आपको वो बताया था कि एशिया चैम्पियनशिप में जब मेरा गोल्ड आया था जब मैं मेडल सेरेमनी पे चढ़ा था जब नेशनल एंथम जब बजा तो जब मेरी आंखों में अब तक का मेरी लाइफ का बेस्ट दिन वही समझो मेरे को अभी भी सोचे तो आंखों में आंसू आ जाते कि भाई अपने लिए नेशनल एंथम बजा था। ट्राई करे बाद में भी एक दो बार जैसे सेकंड आया थर्ड आया मगर गोल्ड आने का मज़ा अलग था एक नेशनल एंथम बजा वो अलग था अभी भी याद रहता वो दिन अभी भी जब तक जिंदा जब तक तो याद है समझो वो दिन कभी भी भूले जैसा दिन नहीं है। जैसे अब मट्ठी के भी दंगल में बहुत ज़्यादा लड़ा दिल्ली में इधर नहीं दिल्ली में बहुत ज़्यादा दंगल लड़ा जैसे हफ्ते में जाम मस्जिद पर होता था लाल किले के पास दंगल उधर हर हफ्ते जाना 4-5 कुश्ती लड़ना 50 रुपये पे एक कुश्ती रहती निकाल के खर्चा पानी ला लेना बादामों के समझो घी के लेके आ जाते जैसे फिर आसपास गांव में दंगला भी कंटिन्यू होते थे उधर जैसे सीज़न रहता था कभी भी दंगल रहे तो चले जाना दंगल लड़के समझो 250-300 यानी जाम मस्जिद पर छोटा दंगल होता था उधर 50-100 रुपये के लड़ते तो दूसरे दंगल में 250-300-500 रुपये दंगल लड़ते रहते समझो कि खर्चा पानी जैसे वजन के भी दंगल हो गए मैट पे मट्ठी में कंटिन्यू इधर से ज़्यादा तो मैं उधर बहुत लिमिट नहीं है उधर हिसाब नहीं कि इतनी कुश्तियाँ लड़ लिया उधर मैं 10 साल में कंटिन्यू समझो हफ्ते को तो जाम मस्जिद पर लड़ने ही लड़ना था कुश्ती जाना जाम मस्जिद पर उधर चोर बाजार लगता था उधर घूमना फिरना समझो कुश्ती लड़ना
एक पक्का था कि संडे होते 3-4 कुश्ती लड़ना था उधर, ये बादाम उदाम के घी के निकाल के लेके आना पैसे, ऐसा था उधर। भाई हैदराबाद के पहलवानी को और बाहर के पहलवानी को क्या फ़र्क है भैया? अपने हैदराबाद के पहलवानी और जैसे बाहर दिल्ली के पहलवानी में फ़र्क इतना है कि अपने का उधर टाइम टेबल डाइट पूरा मेंटेन रहता है। जैसे अपने इधर हो गया आज कर लिए, फिर शाम में आँख दुख रहा है, रेस्ट हो जाता, फिर प्रैक्टिस भी कर लिए कंटिन्यू जाना, फिर टाइम टेबल खाने का नहीं है, चबूतरों में बैठ जाना, फिर आज कहीं फंक्शन है फंक्शन में चले गए, फिर लेट नाइट हो जाता, फिर मॉर्निंग नहीं होता। यानी बाहर रहने का इधर रहने का फ़र्क वही है कि बाहर टाइम टेबल फॉलो होता है कि प्रैक्टिस टाइम पर हो जाती, डाइट टाइम पर मिल जाती, कहीं बैठना नहीं, नींद टाइम पर, सब टाइम टेबल हो जाता है। इधर रहा तो वही फ़र्क बहुत पड़ जाता। अपने इधर हैदराबाद में ऐसा सेंटर कोई भी नहीं है कि रहना अखाड़े में, रहना अखाड़े में, प्रैक्टिस करना, खाना पीने का फैसिलिटी कौन सी भी नहीं है अपने हैदराबाद में, क्या तेलंगाना में नहीं है कौन सी, यानी सैप में है वो एक अलग गवर्नमेंट का, जो प्रेजेंट प्राइवेट है कौन सी भी फैसिलिटी नहीं है। नहीं तो फिर अपने इधर भी रेसलर्स अच्छे हैं मगर क्या है वो तुमको फैसिलिटी नहीं मिल रही। दिल्ली हरियाणा में अपने को लड़के अपने पास भी अच्छे हैं मगर क्या है वो तुमको वो फैसिलिटी नहीं मिल रही, वो माहौल नहीं मिल रहा जैसे बाहर दिल्ली हरियाणा वालों को मिलता। वो माहौल मिला तो इधर भी अपने इधर भी और उनको टक्कर देने वाले रेसलर्स अपने इधर हो सकते हैं अपने इधर भी, मगर क्या है वो तो जैसे अपने लड़के जाके रह रहे उधर इतने रह के प्रैक्टिस कर रहे तो उनको रिजल्ट क्या के लिए अच्छा आ रहा वो तो कि उधर डाइट में एक टाइम टेबल मेंटेन हो रहा, डाइट मेंटेन हो रही, सबसे रिजल्ट आ रहा अच्छा। यही अपन इधर रह के करें तो वो रिजल्ट नहीं मिल सक रहा कहीं, वो तो कुछ ना कुछ मिस हो जा रहा समझो, आज एक दिन प्रैक्टिस में चल रहा भाई कल कर लेंगे, वो कल आ रहा नहीं, फिर वो फिर 2-3 दिन का ही ब्रेक हो जाता, वो कंटिन्यू वो नहीं मिल सक रहा अपने को, रेस्ट हो जा रहा, टाइम टेबल फंक्शन है कुछ भी, एक बहाना मिल जा रहा समझो। एक दिन रेस्ट होगा तो फिर तो 8 दिन पीछे होगा समझो आदमी, एक दिन प्रैक्टिस रेस्ट कर लिया था ना 8 दिन पीछे होगा तो अपने घर कंटिन्यू 2-3 दिन कर लेते, फिर प्रैक्टिस 2 दिन करते 2 दिन ब्रेक ले लेते, फिर उन्हें करे जैसा ही नहीं रह गया, उन्हें ब्रेक इससे अच्छा ब्रेक ही हो गया उसको। इस वास्ते अपनी पहलवानी में फ़र्क वही है बस, दिल्ली हरियाणा में डाइट का फ़र्क है और बस एक टाइम टेबल वही है और कुछ भी नहीं, बस ये फॉलो कर लिए, एक आखा एक बन गया सेंटर अच्छा इधर भी, तो अपने इधर भी पहलवानी बहुत आगे बढ़ती समझो। तेलंगाना में जिमों को चले आ रहे बच्चे, अखाड़ों को क्या को नहीं आ रहे, यही समझ में नहीं आ रहा कि अखाड़े छोड़ के पहले के जैसे हमारे पुराने लोग थे सब जने, यानी पहलवानी तो अपने हैदराबाद में पुराने लोग सब जने करते आ रहे, मगर आज प्रेजेंट के क्या है बोल तो बच्चे जिमों को चले आ रहे, मगर आज अपने पुराने लोग अभी भी हम लोग भी कमज़ोर मगर वो लोग अभी भी मजबूत है, क्यों पहले पहलवानी कर रहे, आपके एक जिम करके थोड़े दिन आंग बना के फिर थोड़े दिन में उनकी हालत कैसी है सबको मालूम है, जल्दी चढ़ने का जल्दी चढ़ जा रहे मगर उतर भी उतनी जल्दी जा रहे, वही इंडियन करते रहे तो लाइफ टाइम मेहनत रहती है। जैसे आप ही देख लो जो अपने ऐसे बड़े उम्र वाले अभी भी वो लोग कैसे फिट है, क्यों वो लोग पुराना करो हुए मेहनत करो हुए अच्छी, और प्रेजेंट का भी देख लो, प्रेजेंट में क्या है जिम थोड़े दिन की है बॉडी कंटिन्यू नहीं कर सकते, किसका टाइम रहता किसका नहीं रहता, वही इंडियन टाइम निकाल के इंडियन करे थोड़े दिन करे भी जितने दिन भी करे बॉडी फिट रहती है समझे, जिम करे बाद थोड़े दिन के बाद भी हालत उतरना है वो तो। भाई आज के जनरेशन को आप क्या एडवाइस देना चाह रहे भैया? मैं अब अपने जो प्रेजेंट का जनरेशन है उनको यही कि भाई डिसिप्लिन, बड़े छोटों की डिसिप्लिन सबसे बड़ी अपने पहलवानी लाइन में क्या है वो तो सबसे अलग गेम है अपने पहलवानी, पहले से डिसिप्लिन है अपने पहलवानी में, कौन से भी गेम में जो नहीं होगा जितना डिसिप्लिन अपने गेम में, बड़े छोटों की इज्जत करना, पैरों में हाथ लगाना, ये क्या है वो तो पहलवानी में ही चाहिए इतना, दूसरे गेमों में आप किसमें भी देख लो किसमें भी नहीं, बस यही डिसिप्लिन भाई आजकल कम होगा मगर है मगर उतना नहीं है भाई, काम आपूर्ति समझो यूँ कर ले रहे समझो भाई पूर्ण करना है, वो दिल से इज्जत नहीं रही, बस वही है भाई, बड़े छोटे की इज्जत करो दिल से करो, दिखावा भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप जो करना है दिल से करो। और क्या है वो तो आजकल जैसे पहलवान ज़्यादा हो गए आजकल, FB के पहलवान है फेसबुक, उन्हें कुश्ती नहीं लड़ाऊंगा बेचारा, उन्हें भी पहलवान बोल के लगा ले रहा अपने आप में, ये भाई इनको रिक्वेस्ट है भाई वो लोग अगर कुश्ती लड़े अलग बात, एक दो कुश्ती लड़े तो पहलवान बोले तो सब जने पहलवान है यहाँ पर, तो फिर सब जने पहलवान ही करे, सब जने लंगोड़ बने, क्या लंगोड़ बनती थोड़ी पहलवान, कुश्ती लड़े तो उन्हें बोला अलग बात है, कोई आपको दूसरे ने बोला भाई मैं पहलवान हूँ मेरे को आप पहलवान बोले तो वो अलग बात है, मैं अपने आप लगा ले रहा हूँ फेसबुक पे, आप भी देख रहे होंगे कितने फेसबुकों पे तो किसको पहचान भी नहीं, हम पहचानते भी नहीं, वो लोग अभी इतने जने पहलवान हैं, और आजकल तो गाने भी निकल रहे पहलवानों के नाम, जो ने लंगोट भी नहीं बनाऊंगा पहलवानी दूर की बात है, उन्हें लंगोट भी नहीं बनाऊंगा, वो लोग गाने बना रहे अपने पहलवानी के ऊपर,
ये इस वास्ते पहलवानी अपने हैदराबाद में पीछे कि ये लोग का ख्याल है कहीं लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, लड़ाई झगड़ा करके फिर क्या करते हैं, अरे भाई गुंडे रोक लो। जैसे अपने इधर कुछ भी पहलवानी की वैल्यू किस लिए नहीं है कि जैसे जो पहलवान है उन्हें नहीं लड़ता, जो दूसरे दिन दो चार दिन पहलवानी कराऊंगा भाई, दो चार दिन एक दो दंगल लड़ाऊंगा, एक दो मेडल जिताऊंगा, उन्हें क्या है, वो तो अपने आप को पहलवान बोल के गुंडा कर दिया, रावड़ी सीट लड़ाई झगड़े कहीं भी लड़ाई तो पुलिस वाले क्या है पहलवान, उन्हें पहलवान भी नहीं होगा, उसको पहलवानों का ए बी सी डी भी नहीं मालूम होगा, मगर क्या है वो तो पहलवान भाई। इस वजह से अपने हैदराबाद तेलंगाना में अपने पहलवानी का नाम बदनाम कर दिए, जो पहलवान है वो लोग ने जो ये लगा लेते फेसबुक पे, ये जो गाने बना लेते, अरे भाई उन्हें पहलवानी जितनी, जो पहलवान है उन्हें कितनी तकलीफ से पहलवानी कर रहा उसके दिल को मालूम, वो उसका नाम तुम दूसरे जने यूज़ कर ले रहे तो मतलब क्या, उसकी पहलवानी को तुम लोग मिट्टी में मिला दे रहे, इतने इतनी मेहनत करके उन्हें आगे बढ़ता करता, मगर तुम लोग देखे तो पहलवानों का नाम पूरा ख़राब कर दे रहे, गुंडागर्दी में ये मिला लो का कुछ भी रहने दो, हालत अच्छी दिखी तो पहलवान, अरे भाई पहलवान जो करा उसको पहलवान बोलो, जो नहीं करा उसको पहलवान बोलो तो क्या फ़ायदा, वही यही है कि बड़े छोटों का भाई रेस्पेक्ट है और कुछ भी नहीं है। और ये लोग जरा फेसबुक वाले जरा बंद करे तो जरा अच्छे पहलाना आ सकते, उन्होंने अपने आप पहलवान बोल के लगा लिए तो कहाँ से होएगा, यही है बस रिक्वेस्ट है उनसे कि बंद FB में पहलाना कम हो जाओ। अपने नॉर्थ में बड़े बड़े लेडी रेसलर्स भी है, जैसे साक्षी मलिक है और है बड़े बड़े पहलवान, अपने हैदराबाद में भी, अब तेलंगाना में भी लेडी गर्ल्स रेसलिंग चालू हुआ, अब उसको कैसा आप सपोर्ट करते भैया? सपोर्ट तो बहुत अच्छी बात है, जैसे अपने इधर भी तेलंगाना हैदराबाद में भी लेडीज गर्ल्स प्रैक्टिस कर रहे रेसलिंग भी, जैसे नॉर्थ में पहले से है, अब ये क्या है वो तो दंगल मूवी आने से ज़रा और अपने इधर भी बढ़ गया, उधर भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया नॉर्थ में, उधर क्या है वो तो साक्षी हो गए, जैसे आप बोले साक्षी, गीता, बबीता, पूजा, ये लोग अच्छे रेसलर्स है बहुत, मगर क्या है वो तो अपने इधर भी अब 4-5 साल से अपने इधर भी गर्ल्स का बढ़ गया क्रेज, ये अच्छी बात है। और ये लोगों को, और जैसे हम स्टेडियम में प्रैक्टिस कराते, मेरे पास भी 8-10 लड़कियां प्रैक्टिस करती है, अच्छा है, और कि गर्ल्स भी प्रैक्टिस करें, इनके चांसेस और ज़्यादा है, बॉयज़ से ज़्यादा इनके चांसेस है मेडल के, ये लोगों को भी जैसे मेडल आया फिर इंडिया के बट इनको भी नॉलेज आता पहलवानी का, गर्ल्स का अच्छा है भाई, बस डिसिप्लिन रह के बस कर लिए पहलवानी कर लिए तो गर्ल्स बॉयज़ के जैसा बस आगे बढ़ते भाई। अब हमारा सपोर्ट तो हमें गर्ल्स को भी है बॉयज़ को भी है, करे जो करे पलानी जो करे उसका सपोर्ट है समझो, और कुछ भी नहीं बस सही है भैया। भाई मैं हकीकत में आज अपने तेलंगाना के पहलवानों के पूर्व के ऊपर बड़े बड़े पहलवाना पूरे इंटरव्यू यहाँ कम्प्लीट कर लेते आ रहा हूँ, आज आपके कन भी आऊँ मैं, आप कैसा फील हो रहे भैया? भाई वो बहुत अच्छा दिखा कि आप बताना चाह रहे कि हमारे हमारे बारे हमारी जर्नी लाइफ की कैसी थी पहलवानी की, और हम कैसा करें ये करें, बहुत खुशी हो रही कि अब जो लोगों को बताना था कि हमारा क्या क्या स्ट्रगल करे, क्यों पर्सनली एक एक को जाके तो बोल नहीं सकते अब कि भाई मैं ऐसा करा, क्यों बोलते सोच अलग अलग है, लोगों की सोच अलग है कि भाई देवी सिंह ये पलानी करा, इन्हें हेल्प करा, अब क्या है वो तो वीडियो के थ्रू जो देखा उसको सही समझ में आता, जो समझा समझा सही है, उसकी अपना अपना सोच है, अपन कुछ भी नहीं कर सकते, मगर क्या है वो तो अपनी जो जो मैं प्रेजेंट करा वो लोगों को बात लोगों तक पहुँचती है कि भाई बहुत अच्छा दिखा कि आप हमारा इंटरव्यू यही और सी और प्रेजेंट में जो आप ले रहे हैं काम अच्छा कर रहे हैं, बस आगे बढ़ो और हमारे विषय आपको और कहीं।